हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे वन डिजिट टू वन डिजिट एडिशन कैसे करते हैं। आओ चलो चलते हैं। यहाँ पर वन लाइन है, तो यहाँ पे वन लिखा है तो हमें वन लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे वन है तो यहाँ पे फिर से हमें वन लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर अब हम इसे टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पे वन और यहाँ पे भी वन, तो अगर हम इसे दो एक ही बार में पढ़े तो वन टू, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। और यहाँ पे जैसे कि थ्री है तो हमें थ्री लाइन ड्रॉ करनी है, वन टू थ्री। और यहाँ पे टू लिखा है तो हमें टू लाइन ड्रॉ करनी होगी, वन टू। तो इन्हें टोटल काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव। और अगर हम टू प्लस फोर करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे वन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर टू लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि वन ही करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि फोर लिखा है तो हमें फोर लाइन ड्रॉ करनी होंगी, वन टू थ्री फोर। हम इसे टोटल काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो उसका आंसर आ जाएगा सिक्स। मोटा कर दिया। और यहाँ पे फाइव फाइव, तो हम इसे फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। और इसे काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम इसे टोटल काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन, तो यहाँ पे टेन लिख देते हैं। तो यहाँ पर सिक्स लिखा है तो हमें सिक्स लाइन ड्रॉ करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हमें वन लाइन ड्रॉ करनी है, वन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पे हमारा सेवन। और आपको एक चीज बतानी है, अगर जैसे कि ऐसे टोटल वाले हैं जैसे कि टू टू फोर फोर, तो अगर आपको टेबल आती है तो ये इजी हो जाएगा। देखो फाइव टू जो टेन होता है तो यहाँ पे सीधे सीधे आप टेन लिख सकते हो। अगर जैसे कि अगर ऐसे वाला आ जाए टू फोर तो आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेम नंबर आए जैसे कि टू प्लस टू, तो यहाँ पे टू 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 जा फोर होता है तो यहाँ पे फोर हो जाएगा ऐसे। और हम यहाँ पे सेवन लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और हम यहाँ पे आप अगर आपको ज़्यादा अगर आपको बोलना नहीं है तो यहाँ पे सेवन, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एट नाइन टेन कर सकते हो। इसको मैंने किया एट नाइन टेन, तो इसका आंसर टेन हो गया। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और हमने देखा था पहली वाली वीडियो में तो जीरो वाला, तो उसमें जीरो के अगर हम किसी भी नंबर की करें तो 80 होगा, इसका आपको कुछ भी नहीं। किसी नंबर में जीरो ऐड किया जाता है तो सेम वही नंबर आ जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया जाता है तो वो सही सेम नंबर आ जाता है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे नाइन लाइन्स हैं तो यहाँ पे हम नाइन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नाइन हमारे पास तो है ही। हाँ। थ्री लाइन ड्रॉ कर लो, अगले वाले काउंट कर लो। हमें जैसे कि नाइन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो नाइन है, बस हमें उसमें थ्री जोड़ देना है, थ्री लाइन बस ड्रॉ करनी है, जैसे कि टेन इलेवन ट्वेल्व, तो इसका आंसर ट्वेल्व हो गया। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।